हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज है 2 अक्टूबर। मैं आ चुका था जिम, लेकिन पता चला आज जिम बंद है क्योंकि 2 अक्टूबर है इसलिए। और बस कुछ नहीं, अभी वो तो फॉर्चुनेटली वहाँ से कोई बंदा वो निकल रहा था जिम वाला, ठीक है, तो आई गेस वो ट्रेनर था, तो उसने मुझे बोला कि आज जिम बंद है। मतलब ग्रुप में मैसेज भी कुछ भी नहीं आया था यार, हद हो गई। नहीं तो मेरा मन भी नहीं था आने का क्योंकि काफ़ी नींद सी आ रही थी, बट मैं क्या नहीं फिर भी जिम जाना क्योंकि डाइट काफ़ी ख़राब हो रही है। तो कल क्या कहते हैं उस दिन, हाँ कल की बात है, कल ऑफिस से आया तो नीचे जैसे उतरा मतलब वहाँ पे भंडारा वगैरह हो रहा था। एक तो सॉरी ये थोड़ा सा ब्लैक आ रहा है, ज़्यादा रोशनी नहीं आ रही है, तो भंडारा हो रहा था। कल पूड़ी खाई, फिर उस पर हलवा, फिर वो फो अब वही, अब थोड़ा ये फेस्टिव सीज़न आता ना थोड़ी डाइट ख़राब हो जाती है वो, बट स्टिल मुझे थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का। और क्या कहते हैं, आज देखते हैं आज बर्थडे में क्या हम करते हैं ऐसे स्पेशल। वैसे आंटी के साथ और अंकल के साथ हम सेलिब्रेट करेंगे, और जाना तो मुझे वहाँ पर भी था, क्या कहते हैं हंसा जी के घर पर, उसके लिए सॉरी। बट अभी क्योंकि बताता हूँ आगे घर रह के बताऊँगा, अभी यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा है, कुछ समझ नहीं आएगा। तो फिलहाल चलते हैं, अभी अब उठे हैं तो हम वॉक भी कर लेते हैं क्योंकि सोने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, कितना कुछ खाते रहते हैं अभी आजकल, थोड़ा फेस्टिव सीज़न है इस चक्कर में। चलिए ठीक है, फिर अभी हम आपसे मिलते हैं अब सीधा दिन में, ठीक है, मतलब जब थोड़ा सा रोशनी हो जाएगी। अभी हम थोड़ा वॉक कर लेते हैं अभी, हाँ उसको फ़ोन करते तो फ्रेंड को संदीप का, उसका भी कल रात को फ़ोन आया था बर्थडे विश करने के लिए और मैं सो रहा था, सिस्टर का भी आया हुआ था मेरी छोटी बहन का। तो चलिए सबसे बात कर लेते हैं अभी, वो तो जाग रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूं जनकपुरी वेस्ट, तो द्वारका मोड़ से सीधा ऐसे वॉक करता पहले अभी संदीप से फिर बात करी थी अपने फ्रेंड से, वो जो कनाडा वाला है, और उसके बाद फिर छोटी बहन से बात करी थी, उसकी शिफ्ट थी, मतलब वो 4:30-4:30 ऐसे घर आ रही है, तो उसका भी फ़ोन आया था जब मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, फिर मैंने उसको भी कॉल कर लिया, तो फिर बड़े विश हो गया। तो थैंक यू सो मच दोनों को, और बस कुछ नहीं, मैं वॉक करता जा रहा हूँ यार। इस टाइम पे क्या होता है, अभी आपके पास साइकिल होना तो बात ही कुछ हो रहा है साइकिल की, तो यार कोई बात नहीं, देखता हूँ 1-2 महीने में मैं साइकिल ले लूँगा। तो बस मज़ा आ रहा है यार साइकिल की, तो इधर दिल्ली की तो यार बात ही बहुत है। यही अगर मैं मुंबई में, अगर जैसे छुट्टी हो वहाँ पर भी, क्या कहते हैं जैसे 2 अक्टूबर तक कोई नेशनल हॉलीडे होता है, अगर वहाँ पर जिम बंद हो तो बंदा वॉक भी नहीं कर सकता वहाँ पे यार, मतलब वो फील ही नहीं आता जो यहाँ पे दिल्ली का फील है। वो सोचो ना, मैं सीधा क्या कहते हैं द्वारका मोड़ से सीधा यहाँ पे, मतलब तिलक नगर तक जा रहा हूँ मैं वॉक करता हुआ यार। मुझे वॉक करना और साइकिलिंग करना बहुत अच्छा लगता है, ऑल द मतलब मौसम अच्छा हो। और तो चलिए चलते हैं आगे, तो थोड़ा सा और आप दिखता हूँ, अगर मैं रजौरी तक गया तो वहाँ पे दिखता हूँ रावण कितना तैयार हो गया। मज़ा आ रहा है यार दिल्ली की, तो बात अलग है, आप अगर बार बार दिल्ली बोलता है, हाँ जो चीज़ है तो वो तो है ना यार। चलिए चलते हैं आगे, और क्या कहते हैं वो मुझे, और क्या कहते हैं मैं ये बोल रहा था, सॉरी दोबारा से फंबल हो जाता है, माइक कैरी करना भूल, फिर दोबारा से मैं भूल गया, क्योंकि ऐसा कुछ इरादा नहीं था मेरा यहाँ पे वॉक करने का, क्योंकि जिम बंद था। तो फिर मैंने कहा चलो जिम बंद है, अब रेडी हुए हैं, नींद ख़राब हुई है और डाइट भी आजकल थोड़ी ख़राब हो रही है ऊपर नीचे जैसे आपको मैंने बताया है, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। फिर ऊपर जाता, फिर माइक लेके आता, वो करता, और सॉरी उसके लिए जो बैकग्राउंड नॉइस अगर आपको आ रही होगी, तो अगर क्या आई भी होगी फॉर श्योर। चलिए ये देखिए, अभी क्या कहते हैं बस दिन होने वाला है, ऑलमोस्ट 45 हो गया है, 5 बजे मैं वहाँ से निकला था जिम के बाहर से, तो वहाँ से वॉक करता हुआ, अभी तो खैर मैं स्पीड में भी नहीं था, वो बात करता हुआ आ रहा था, तो इसलिए अगर और स्पीड में होता तो अभी मैं पहुँच जाता यहाँ पे 1/2 आवर में, क्योंकि मैं अभी जैसे अभी लास्ट अभी दिल्ली में अभी था इधर, तब भी मैं से वॉक करता हुआ जाता था ना, तो फटाफट स्पीड से आपका ऐसे ब्रिस्क वॉक भी हो जाती है और प्लस आप जल्दी भी पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो चलो चलते हैं, बाकी वहाँ सर्दियाँ आने वाली है मस्त एकदम, दिल्ली का ठंडा ठंडा मौसम, फिर लोहड़ी आएगी और वहाँ से फिर अभी न्यू ईयर भी आता है, क्रिसमस भी आएगा,
कितने सारे फेस्टिवल आएंगे यहाँ पे, और ठंड का मौसम, मूंगफली, रेवड़ी, पट्टिया। वैसे कहोगे आप डाइट डाइट करता रहता है। एनीवे मत ये इस चीज़ से बार बार ढूंढना आती है सर्दियाँ वर्दियाँ। तो फ्रेंड्स ये है यूनिटी वन मॉल अपना जनकपुरी वेस्ट के पास। तो यहाँ पे यहाँ स्टॉल्स वगैरह लगते हैं, पता नहीं कुछ ना कुछ यहाँ पे दिखता होगा, पता नहीं क्या चीज़ है, जो भी छोटे मोटे आइटम्स वगैरह। और बस ये रहा मॉल, इसके अंदर सब कुछ अपना रिलायंस वगैरह, बर्गर किंग, वाह दिल्ली के छोले भटूरे, आहा सदियाँ होगी छोले भटूरे खाए दिल्ली के। और ये बच्चों के लिए हैं राइड्स, मुझे बिठा लो यार मैं बैठ जाऊँगा इसमें। चलो ठीक है आगे चलते हैं। और मुझे बस देख तो वहाँ अब इतना आया तो रावण भी देख के ज़रूर जाऊँगा मैं। तो फ्रेंड्स ये जो व्लॉग है ना, ये मुझे लग रहा है लंबा हो जाएगा, पहले सोचा था इसको कंटिन्यू करूँगा घर जाके। आंटी ना एक्चुअली क्या है, आज बर्थडे मेरा, तो मैं चलो ठीक है ना आपको बैठ के बताता हूँ। और मैं आपको ये बता रहा था एक्चुअली क्या है, मेरा प्लान था वहाँ जाने का। रोहिणी हंसा दीदी हैं मेरी, जो बड़ी दीदी है ना, उनका क्या कहते हैं, उनकी फ्रेंड है बचपन की, जैसे मेरा फ्रेंड है ना संदीप, तो वैसे वो उनकी फैमिली फ्रेंड की तरह, तो वो आया जा करते थे। तो मुझे बोल रहे थे बर्थडे पे आने के लिए, तो जब उनको पता चला मैं दिल्ली आ रहा हूँ, तो मुझे तब से मुझे वो बोल रहे थे कि ज़रूर आइए ज़रूर आइए। तो प्लान तो अभी कल तक शाम तक यही था, मैं उनको बोल रहा था कि मैं आ रहा हूँ, बट लेकिन फिर मैं घर आया तो आंटी ने बोला तुम क्या कहते हैं ऐसे बातचीत होगी, मैंने कहता हाँ मैं कल जा रहा हूँ बर्थडे पर, वो बुला रहे हैं ऐसे, मतलब रोहिणी मुझे जाना है, तो वो कहते हैं यहाँ पे नहीं मनाएगा। फिर मुझे वो थोड़ा सा फिर वो हो गया, क्योंकि मेरा आंटी के साथ था कि मैं, मेरे को एक्चुअली तीन जगह जाना था, रुचि के वहाँ भी शाम को भी जाना है, अतिथ भी, वो प्लान का क्या होता है। तो मेरा मैंने ऐसे वो स्केड्यूल कर रखा था प्लान कि मैं शाम को सुबह आंटी के साथ केक कट कर लूँगा, वो जो बाबा है मेरा फ्रेंड, उसने जो केक भेजा था उनके साथ वो केक कट कर लूँगा, प्लस उनके साथ ब्रेकफास्ट कर लूँगा, फिर जो क्या कहते हैं अपना लंच है वो वहाँ चला जाऊँगा रोहिणी करने के लिए, ठीक है, मतलब वही जो पार्टी वार्टी जो भी करनी है, और फिर शाम को जैसे रुचि ने लाया था तो वहाँ का। तो मैंने ऐसे प्लान करके रखा होता, बट फिर आंटी बोल रहे थे क्या कहते हैं तो हमारे सेलिब्रेट नहीं करते, मैं हाँ मैं करूँगा, तो फिर क्या कहते हैं वही है, मतलब थोड़ा फिर ऐसे टाइम लग जाता मुझे, फिर मैं वहाँ पर नहीं कर पाता, फिर यहाँ पर मुझे एकदम से हॉटस्पॉट में फटाफट निकलना पड़ता, फिर वो चीज़ है, इसलिए फिर मैंने थोड़ा वो रोहिणी वाला कैंसिल कर दिया था प्लान। तो सॉरी हंसा जी, अगर आप जब ये ब्लॉग देखोगे तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी है, लेकिन सैटरडे को मैं ज़रूर आऊँगा। और तो मतलब सैटरडे को मेरा ऑफ नहीं होता है, लेकिन इस बार ही क्या है हरियाणा में इलेक्शन है तो छुट्टी है, तो शायद से तो आ जाऊँगा, बाकी देखो क्या होता है। हाँ प्लान तो मतलब अभी 99% ये है कि सैटरडे को आपके पास ज़रूर ज़रूर आऊँगा, और आपको वो भी देना, आपने मुझे मंगाया था वड़ा पाव को मसाला डालने वाला, ठीक है वो भी बढ़ाया। तो बस ये सब मुझे आपको बताना था। तो अभी क्या कहते हैं, अब ज़्यादा मैं बकबक नहीं करता बोलने के लिए, मतलब लोग क्या बोर कर रहा है, तो चलते हैं आगे, अब सीधा चलते हैं रावण के पास। हम कुछ में कुछ मुझे मिला एक्साइटिंग सा, मतलब ऐसे दिखाने वाली चीज़, तो मैं आपको ज़रूर मैं दिखाऊँगा, ठीक है। तो चलिए, तो ये मैं आ गया हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंटर, सामने डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, ये क्या है फॉर रेंट, वाह इसका तो रेंट इतना ज़्यादा होगा। यहाँ पे कुछ ढाबा वाबा खोल सकते हैं, ढाबा नहीं रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, और बस चलते हैं अब आगे। कितना अच्छा लग रहा है, मौसम भी एकदम साफ साफ ठंडा ठंडा। ये है फ्रेंड्स डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जो मैं आपको अभी वहाँ से दिखाता, ये जनकपुरी में बहुत फेमस है दिल्ली में, मस्त एकदम तक। पहले चौक इधर ऐसे वो आते थे ना, मुझे बचपन में मैं था तो मुझे बड़ा डर लगता था, ऐसे सीटी मारते थे, मुझे होता था यार कोड है कोई पकड़ के ले जाते। और एक वो जो हंटर वाले आते थे डिंग 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 डिंग, उनसे भी बड़ा डर लगता था यार। ये देखिए यहाँ पे ऐसे सिटिंग एरिया इनका बेमिसाल है, जैसे हाँ बेमिसाल है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी, मेरी जो बड़ी दीदी है यूके वाली, और उन्होंने मुझे और मेरी छोटी बहन को उसको बर्थडे पर भेजे हैं 2500, तो थैंक यू सो मच दीदी। और मतलब क्या कहते हैं, उसका 30th को बर्थडे आता है, 30 सितंबर को, मेरा 2nd अक्टूबर को आता है, तो एक दिन का, तो हम बचपन में बर्थडे वगैरह हम बड़ा सेलिब्रेट करते थे, फ्रेंड्स को बुलाते थे, तो बड़ा मज़ा आता था, वो भी टाइम अच्छा था अभी। चलिए चलते हैं आगे, वाह कितना अच्छा मौसम है, ठंडा ठंडा। ये है डिस्ट्रिक्ट सेंटर,
तो फ्रेंड्स ये है दिल्ली हाट, अपना अपना जनकपुरी है और वहाँ पे ये सब दिल्ली हाट बोलते हैं, जनकपुरी हाट बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। यहाँ पे सब आइटम्स मिलते हैं जैसे अपना दिल्ली हाट में मिलता है। और ये देखिए ये है तिरंगा झंडा, वाह कितना अच्छा लग रहा है ऐसे वो एंगल। चलिए अब चलते हैं हम आगे। तो बस मैंने यहाँ पर दो चार फोटो खिंचवा ली थी, अभी अंकल थे अभी यहाँ पर से।